दूसरी, आज हम हिंदी की किताब से पाठ 7 शीर्षक और करो नकल इसकी कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत छोटी सी है, एक बंदर के बारे में बताई गई है। आपने देखा शीर्षक क्या है और करो नकल। आपको मालूम है कि बंदर को हमेशा क्या कहा जाता है, नकलची बंदर, क्योंकि उनको नकल करने की आदत होती है। तो आपको पता है एक मकान बन रहा था, जब वो मकान पूरा हो गया तो कुछ बड़े लोग मकान के लिए खिड़की दरवाजे ये सब फर्नीचर का काम कर रहे थे। तो मोटे मोटे लकड़ी लाके रखे हुए थे, आरी थी, कील थी, उन सारी चीजों से काट रहे थे, ठोक ठोक कर खिड़की दरवाजे ये सारी चीजें बना रहे थे। बहुत देर से वो अपना काम कर रहे थे और दो बंदर थे, एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और वो दोनों बंदर बड़े ध्यान से वो दोनों को देख रहे थे। लेकिन बड़े लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन बंदर बड़े ध्यान से देख रहे थे। क्या हुआ, काम करते करते दोनों थक जाते हैं। बड़े थकने के बाद वो सोचते हैं कि अब क्या करें, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। एक बोलता मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, चलो ऐसा करते हैं थोड़ा देर काम रुकते हैं और अपन पानी पी लेते हैं। दूसरा बोलता है खाने का भी वक्त हो रहा है, तो खाने का भी वक्त हो रहा है, ऐसा करते हैं अब हम अपन काम को बंद कर देते हैं, पानी भी पी लेंगे, खाना खा लेंगे, थक भी बहुत गए हैं और थोड़ा देर अपन आराम भी कर लेंगे। ये कहकर दोनों कुछ ही दूर पर एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद का पेड़ जो था बहुत घना था, उसकी छाया नीचे पूरी फैली हुई थी। तो दोनों जाते हैं बढ़े और जाकर उस पेड़ के नीचे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सोचते हैं चलो थोड़ा दिन में सुस्ता लेते हैं, और दोनों के दोनों वहां पर सुस्ताने लग जाते हैं। इसके बाद बंदर देखते हैं कि अब ये दोनों चले गए बढ़े, तो क्या करते हैं दोनों बंदर, नीचे उतर कर आते हैं। तो एक मोटा सा लकड़ी रखी रहती, मोटी सी, और वो बड़े उसको बीच से फाड़ रहे होते हैं, लेकिन उनका खाने का वक्त हो गया होता है तो चले जाते हैं। इसलिए दोनों क्या करते हैं, जहाँ पे फाड़ते उसके बीच में एक मोटा सा कील गाड़ के चले जाते हैं कि जब हम आएंगे तो इसके आगे का काम शुरू करेंगे। लेकिन क्या होता है, दोनों बंदर पेड़ के नीचे से उतरते हैं और उस लकड़ी के ऊपर आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं अरे ये तो इसके अंदर भी तो कील फंसा के रखा हुआ है। इन लोगों ने पहले क्या किया था, कुछ मशीन लेके घूम 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 करके आवाज कर रहे थे, फिर इसके बाद इन लोगों ने कील इसके अंदर डाल दी है। तब एक क्या करता है, एक बंदर दोनों हाथ से कील को पकड़ लेता है और जो दूसरा बंदर होता है पीछे से उसकी कमर को जोर से पकड़ लेता है पूरे ताकत देने के लिए। वो पहला सामने वाला जो बंदर होता है वो कील को जोर से अपनी ओर खींचता रहता है और जो पीछे वाला बंदर होता है उसको पीछे से पकड़ के खींचता रहता है। लेकिन ज्यादा ताकत लगाने की वजह से क्या होता है कि कील उसके हाथ से छूट जाती है और दूर जाके गिर जाती है और जो पीछे वाला बंदर है वो भाग जाता है। लेकिन जो सामने वाला बंदर होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है उसकी जो पूंछ होती है जहाँ पे कील की जगह थी वहां पर जाकर फंस जाती है। अब निकालने की बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकाल पाता है। अब खूब परेशान होता रहता है। कुछ देर के पश्चात वो दोनों बड़े काम करके अपना आराम करके वहां पर लौटते हैं, देखते हैं तो उस लकड़ी के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। तो दोनों आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हुआ, बंदर यहाँ बैठा क्या कर रहा है। जब पास में जाते हैं तो देखते हैं कि कील जो लगा कर गए थे वो थोड़ी दूर पर गिरा हुआ है। तो बोलते हैं अरे कील तो यहाँ पे गिरा हुआ है और बंदर यहाँ बैठा है। जब ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो बंदर की जो पूंछ है उस लकड़ी के बीच में फंसी रहती है। दोनों को खूब हंसी आती है और दोनों आपस में बात करते हैं कि जरूर इन लोगों ने हमें काम करते देखा होगा और यहाँ पर आकर कुछ करने की कोशिश किया होगा इन लोगों ने, तभी इसकी पूंछ इसमें फंस गई। लेकिन जो बंदर थोड़ा उनको देखे भयभीत भी हो जाता है और वो पूंछ नहीं निकल पा रही, इसलिए वो घबराया सभी हुआ होता है। तो दोनों लोग उसके पास जाते हैं, बोलते चलो इसकी थोड़ी अपन मदद करते हैं और इस बंदर को अपन इसकी पूंछ को निकाल देते हैं। अब दोनों उसके पास जाते हैं और उसकी पूंछ को निकालते हैं। जैसे ही पूंछ निकालते हैं दौड़ता हुआ दूर में चला जाता है। तो वो दोनों बहुत हंसते हैं। इसके पश्चात वो दोनों टांगों से खड़े होकर हाथ जोड़ लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों बढ़ई ने उसकी पूंछ को वहां से निकाली
उनको धन्यवाद कह रहा हो, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हो। तो कुल मिलाकर आपको इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है? इस पाठ से शिक्षा हमें यह मिलती है कि जिस चीज के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, अच्छे से जिसका नहीं जानते जिसके बारे में, उस काम को हमको नकल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसके बारे में हमें पता नहीं है और उस काम को हम अगर करेंगे तो उसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि जो काम हमारे लायक हो हम कर सकते हैं उसे करें, जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो जैसे बंदरों ने किया, इस प्रकार का हम काम ना करें। धन्यवाद।